हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद राइजेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपना वर्कआउट भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो हमारा यह जो सेशन है, यह हमारा लास्ट वर्कआउट होने वाला है इस सीरीज़ का। तो आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और लास्ट तक देखें। और अगर आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाले अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और आप लोग ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाले अपडेट्स मिल जाया करेंगे। तो आज हम जो वर्कआउट करने वाले हैं वो है हमारे एप्स का वर्कआउट। तो इसमें मेजरली हम हमारे अपर एप्स और मिडिल एप और लोअर एप को ट्रेन करते हैं। जनरली जो एप्स है वह ऐसे आते हैं जब आप थोड़ा कैलरी डेफिसिट में रहते हैं, जैसे जो इतना खाना खा रहे हैं उससे आप थोड़ा सा कम खाएंगे। तो जो डाइट है उसके ऊपर हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। और अभी आज हम वर्कआउट की बात करने वाले हैं, तो हम इसमें हमारे ऐप्स को ट्रेन करेंगे। और ऐप्स में ये जो हमारे ऐप्स हैं यह होते हैं और ऑब्लिक्स होते हैं, हम उनको भी ट्रेन करते हैं। और ऐप्स डिपेंड करता है जेनेटिक्स के ऊपर भी कि आपके जीन्स कैसे हैं, उस हिसाब से आपके ऐप्स आते हैं। जरूरी नहीं कि आप लोग ऐप्स छः ही रहें, या तो फिर 8 आए या तो फिर 12 आए, वो जेनेटिक्स के ऊपर है। कई लोगों के 4 भी आते हैं। तो बस आइए आज हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यह जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसका नाम है वी सेट। इसमें कुछ इस तरीके से आप वी बनाएंगे और आप इसको जब तक होल्ड करके रखेंगे जब तक आपसे हो सके। आप इसमें मोबाइल लगा लेंगे, मतलब टाइमर लगाकर इसको करना है। यह एक्सरसाइज है बाइसिकल क्रंच। इसमें आप कुछ इस तरीके से आपके जो एल्बोज हैं उसको इस तरीके से आपके नीज पे आपको लेकर आना है। अब जो एक्सरसाइज है उसका नाम है माउंटेन क्लिम्बर। इसमें आपको इस तरीके से कुछ पोजीशन बनाना है और जैसे आप किसी माउंटेन पर चढ़ रहे हो इस तरीके से आपको करना है। इस एक्सरसाइज का नाम है केबल क्रंच। इसमें जो डोर एंकर है उसकी पोजीशन रहेगी हाई और इस तरीके से आप रेजिस्टेंस बैंड को लगा लेंगे जैसे केबल का करते हैं उस तरीके से, और इस तरीके से अपने नीज पर आपको बैठना है और इस तरीके से दोनों कानों के अगल बगल में रेजिस्टेंस बैंड को लगा लेना है। और आपने ध्यान दिया होगा इसमें मैंने हैंडल का यूज़ नहीं किया है, तो अगर आप चाहें तो आप भी हैंडल का यूज़ नहीं कर सकते, और हैंडल का यूज़ करना हो तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अप डाउन होना है, मतलब जो मोमेंट है आप हल्के से बैंड रहेंगे इसमें और करेंगे। इस तरीके से आप हैंडल का भी यूज़ कर सकते हैं। यह जो एक्सरसाइज है इसका नाम है क्रंच। नॉर्मल क्रंच जो हम करते हैं मैट पर लेटकर उसका इसको बोलते हैं क्रंच। इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को करना है। और यह जितनी भी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ इनको आपको जब तक करना है जब तक आपसे लास्ट में एक भी ना बने, मतलब फेलियर तक करना है। ऊपर आते समय हल्का सा होल्ड करना है। अब जो एक्सरसाइज है इसका नाम है लेग रेजेस। इस तरीके से आप अपने लेग्स के मतलब कि ऊपर को लेके आना है, इसलिए इसको लेग रेजेस बोलते हैं। हाथों की पोजिशन आपके इस तरीके से आपके ग्लूट्स के नीचे आएगी और इस तरीके से आप ऊपर तक लेकर आएंगे अपने लेग्स को पूरी तरीके से। और ध्यान रखिएगा कि आपके जो लेग्स हैं वो नीचे ज़मीन पर नहीं टकराने चाहिए, और आप चाहें तो हल्का सा होल्ड भी कर सकते हैं आप। आप चाहें तो इसको इस तरीके से अल्टरनेट लेग से भी कर सकते हैं, यह भी बहुत इफ़ेक्टिव है। यह जो एक्सरसाइज है इसका नाम है सीज़र। इस तरीके से आप मतलब कैंची की तरह अपने लेग्स को चलाएंगे, इसलिए बोलते हैं इसको सीज़र कैंची। यह एक्सरसाइज है नी रेजेस।
इस तरीके से आपका मतलब कि आपकी जो नीज़ हैं उनको आपको चेस्ट तक लेकर आना है। अब जो एक्सरसाइज है इसका नाम है ओब्लिक क्रंच। इस तरीके से आपके हाथ की और आपके एक नीज़ की ऐसी पोजीशन रहेगी और एक जो लेग है आपका वो स्ट्रेट रहेगा। इस तरीके से आपको जो आपका एल्बो है और जो लेग है उसको दोनों को टच करना है। ये आपके ओब्लिक्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। दूसरे साइड से भी सेम तरीके से करना है आपको फेलियर तक। यह जो एक्सरसाइज है इसका नाम है हील टच। इसमें आपको इस तरीके से आपके हील्स को टच करना है, मतलब हील्स जो रहते हैं उनको टच करना है। अब हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका नाम है साइड। इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस बैंड को अपने पैरों के नीचे फंसा लेना है और इस तरीके से परफॉर्म करना है। अभी आप देखेंगे इस तरीके से आपको मतलब कि एक तरफ से रेजिस्टेंस बैंड को पकड़ते हुए परफॉर्म करना है। पूरा एक तरफ आएंगे फिर पूरा एक तरफ जाएंगे, इस तरीके से आपको करना है। मतलब दोनों तरफ बिल्कुल बराबर प्रेशर पड़ना चाहिए दोनों साइड्स पे। यह जो एक्सरसाइज है यह है साइड प्लैंक। इसमें आपकी पोजीशन कुछ इस तरीके से रहेगी, जो आपका जो ऊपर वाला हाथ है आप उसको ऊपर भी रख सकते हैं या तो नीचे भी रख सकते हैं, और थ्रू आउट द पोजीशन आपकी बॉडी जो रहेगी वो पूरी स्ट्रेट रहेगी और जो आपके हिप्स रहेंगे वो नीचे की तरफ डाउन नहीं रहेंगे, हमेशा ऊपर को रहेंगे। यह जो एक्सरसाइज है इसका नाम है प्लैंक। इस एक्सरसाइज में जो आपकी पोजीशन है वो पूरी मतलब कि स्ट्रेट रहेगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे आने वाले अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर दें। और अगर आप लोगों को डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर भी बता सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा कि क्या आप लोगों के डाउट है। मैं ज़रूर आप लोगों का रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और आज का जो सेशन था वो हमारा लास्ट सेशन था, मतलब कि जो वीडियो था ये लास्ट वीडियो था इस वर्कआउट सीरीज़ का, बिगनर टू एडवांस लेवल वाली। तो आगे आने वाले अपडेट्स के लिए बेल आइकन को बिल्कुल हिट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जब तक के लिए बाय एंड स्टे फिट।